एवरीवन, दिस इज नीतू सिंह। दृश्य टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास पे हम बात कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो विषय विज्ञान है उसके अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मुझे आप सबके साथ डिस्कस करना है। तो चलते हैं जरा पादपों या पौधों के प्रकार के बारे में जरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ देखेंगे जरा हम हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स होगा, श्रब होगा, ट्री होगा, क्रीपर, क्लाइंबर, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हर्ब्स या शाक क्या होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। आपने ना धनिए की पत्ती को देखा होगा, धनिए की पत्ती या पुदीना की पत्तियां होती हैं, वो बहुत आसानी से टूट जाती हैं और उनकी पत्तियां कैसी सी होंगी, छोटू छोटू सी होंगी। तो जरा चलते हैं, जरा देखते हैं। हरे और कोमल तने वाले पौधे, इनको हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे, क्या बोलेंगे हम? हर्ब्स बोलते हैं, इनको कहलाते हैं। ये कैसे होंगे? छोटे होंगे, प्रायः कई शाखाएं नहीं होंगी। अब एक चीज और देखिएगा, घास, गेहूं, मिर्ची, आलू। अब जैसे आप आलू क्या होगा, आपको लगेगा अच्छा आलू भी इसके अंदर आएगा क्या? ध्यान रखिएगा, पौधे के खाए जाने वाले भाग को हम जनरली, जो आलू, आलू का तना हम खाते हैं, लेकिन जब हम कैटेगराइजेशन करेंगे इनका कि ये हर्ब्स का श्रब या किसके अंदर में आएंगे, तो जनरली ये हर्ब्स के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं आगे भी बताऊंगी आपको कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो घास, गेहूं, मिर्च, आलू, मूंगफली, धनिया, टमाटर, चना, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? आपके हर्ब्स के एग्जाम्पल हो गए। इतना याद रखिएगा जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताया कि धनिए की पत्ती, पुदीने की पत्ती को आसानी से तोड़ ले जाते हैं। तो हर्ब्स क्या हो जाएंगे? छोटू से। ट्री कैसे हैं? हमें पता है बहुत मोटे तने हैं, जड़ अच्छा खासा है, बहुत बड़ा सा होगा, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, ऐसे। तो हर्ब्स छोटू से और पेड़ तो बहुत मोटे हो गए। तो श्रब कौन से हो जाएंगे? जो बीच की कैटेगराइजेशन होगी। जैसे आपने मेहंदी का पेड़ अगर आपने देखा हो, गुलाब का देखा हो, तो ना बहुत हार्ड था ना बहुत सॉफ्ट था, बीच में कहीं कहीं ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा सा हार्ड आपको जरा सा फील होगा। गुलाब के उनको अगर तोड़ते हैं, मेहंदी के उनको तोड़ते हैं, उनको तोड़ेंगे अगर आप, तो यहाँ देखेंगे इनका जो तना है, अगर तने को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो इनका तना कठोर, ज्यादा मोटा नहीं होगा। इनमें शाखाएं तने के आधार के पास से निकलती है, जैसे नींबू हो गया, गुलाब, तुलसी, मेहंदी, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? आपके श्रब के एग्जाम्पल होंगे, जिसको हम झाड़ी बोलते हैं, ठीक। तो बेसिकली जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं हर्ब्स और श्रब में कंफ्यूजन होती है, तो वो पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर होगा। आगे चलते हैं जरा हम ट्री के बारे में बात करेंगे, तो हमें साफ साफ समझ में आता है कि भैया देखेंगे ट्री के अंदर में हमारे पास क्या हो जाएगा, जड़ें अच्छी खासी हैं, तने अच्छे खासे हैं, मोटे हैं, तो इसमें किसी को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है। अब दो चीज और बात करते हैं, जरा हम क्रीपर और क्लाइंबर के बारे में बात करेंगे। तो जरा यहाँ पर देखेंगे आप क्रीपर के बारे में आप बात करेंगे। क्रीपर को हम क्या बोलते हैं? जैसा आपने देखा यहाँ पर विसर्पी लता, क्रीपर यानी क्रीप करते हैं, रेंगते हैं। अब इनका अगर आप देखेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ ताकि आप यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, होगा क्या, जो आपके खरबूज, तरबूज, ध्यान रखिएगा, खरबूज, तरबूज, लौकी, खीरा, खरबूज, तरबूज, ये सब क्या है? भारी भरकम है, तो ये लंबाई पर नहीं जा सकते, ये ध्यान रखिएगा। खरबूज, तरबूज, लौकी, खीरा, ऑलमोस्ट एक तरीके से वैसे समझने की कोशिश करिएगा कि ये क्या है कि कहीं ना कहीं अगर ये हाइट पर जाएंगे तो उनको सर्वाइव करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो ये क्या करते हैं? जमीन पर रेंग कर ही कहीं ना कहीं ग्रो हो जाएंगे, तो इनको हम इसलिए क्या बोलते हैं? क्रीपर बोलते हैं। हिंदी में इनको हम क्या बोलेंगे? विसर्पी लता, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर आपसे क्लाइंबर पूछ लिया जाए कि भैया आप एक बात बताओ, आरोही कौन से होंगे? आरोही वाले वो होंगे, आरोही लता वो हो जाएंगे, क्लाइंबर वो हो जाएंगे जो थोड़ा सा सहारा पाकर ऊपर चढ़ जाते हैं। मनी प्लांट को देखा होगा आपने, लोग घरों के अंदर लगाते हैं, गेट पे लगाते हैं, बालकनी में लगाते हैं, ऐसी लंबी सी डंडी होगी, उसमें मनी प्लांट आपका कहीं ना कहीं सहारे से उसको खड़ा करने के लिए सहारा चाहिए होगा। अब इसमें क्या क्या आएगा? जैसे आपका करेला हो गया, सेम हो गया, अंगूर हो गई, यहाँ देखेंगे करेला, सेम, अंगूर, मनी प्लांट, ये सारी चीजें किस चीज के एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं यहाँ पर? ये आपको दिख रहे हैं आरोही लता के एग्जाम्पल दिख रहे हैं, यानी ये सारे आपके पास क्या हो जाएंगे? क्लाइंबर हो जाएंगे। करेक्ट है, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं? क्रीपर विसर्पी लता हो जाएगा, और ये है, इसको मैं अलग अलग कलर से कर देती हूँ ताकि आपके लिए ना कहीं समझना बहुत आसान हो जाए। तो करते हैं जरा, ये देखेंगे यहाँ पर है, ये देखेंगे, ये है आपका विसर्पी लता, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रीपर बोलते हैं। ये फिर क्या होते हैं आपके क्रीपर, ये क्या कर रहे हैं? जमीन पर रेंग रहे हैं। कौन कौन हो गया आपका? देखेंगे खरबूज, तरबूज, लौकी, खीरा, स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या हो जाएंगे? विसर्पी लता। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? खीरा, ये सब क्या कर रहे हैं? जमीन पर रेंग रहे हैं, क्रीप कर रहे हैं। आगे चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले पोर्शन पर। अभी हमने देखा आरोही, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर, थोड़ा सा सहारा पाकर ये आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मनी प्लांट के लिए अगर आप देखेंगे, अगर गमले में ऐसे लगा रखा होगा
देखिएगा ऐसे 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 अंगूर का भी, अगर कभी अंगूर की खेती अगर आपने देखी हुई हो तो, अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन हो जाएगा, करेला, सेब, अंगूर, मनी प्लांट, चमेली, ये सब किस चीज के एग्जाम्पल हो गए आपको, आरोही लताओं का, यानी ये क्लाइंबर के एग्जाम्पल, करेक्ट है? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, ये सब क्लाइंबर के एग्जाम्पल। ठीक, आगे चलते हैं, जरा स्टेम के बारे में बात करेंगे। हमें ये पता है कि जो जड़ है वो क्या करते हैं, वाटर को और मिनरल्स को, कहीं ना कहीं पानी और खनिज पदार्थों को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसके बाद तने का काम है कि भैया उसको यहाँ से ऊपर की तरफ पहुंचाने का, करेक्ट है? तो यहाँ देखिएगा, तने के माध्यम से यहाँ देखेंगे जल और उसमें विलीन खनिज, यानी उसके अंदर में जो आपके न्यूट्रिएंट्स है, जो इसके अंदर जल वाटर का और मिनरल्स का ऊपर की ओर संवहन होता है, अतः तना एक प्रकार की कैपिलरी ट्यूब का काम करता है। कैपिलरी ट्यूब, अगर आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, उसको ना सिर्फ नहीं पिलाते, ना उसको दवा देते हैं, एक ड्रॉप होता है, ड्रॉप को ऐसे प्रेस करते हैं, जैसे छोड़ेंगे तो आपका कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ वो बढ़ने लग जाएगा, यानी कि उसकी लंबाई अच्छी खासी होगी, विड्थ उसकी कम होगी, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। सेम उसी तरीके से तना जो होता है वो काम करता है पौधों के अंदर में, अगर आप देखेंगे तो ये कैपिलरी ट्यूब का काम करता है। तने का दूसरा काम, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आप ये बताइए तने का काम क्या है, पहला आपको समझ में आ गया, दूसरा पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन। हमें ये पता है, मैं आगे एक अलग से एक फोटोसिंथेसिस का भी एक अलग से मैं लेक्चर ले लूंगी, बट जनरली आप सबको पता ही होगा फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, वातावरण का कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सनलाइट यानी प्रकाश की प्रेजेंस में क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, और ये क्या बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वाटर और आपका ऑक्सीजन, ये सब क्या हो जाएगा आपका लिबरेट हो जाएगा, करेक्ट है? अगर बैलेंस करना होगा 6CO2 12H2O, इसके अलावा 6H2O 6O2। तो ये है आपका जो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस यानी प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है, उसके तहत ही आपकी जो ग्रीन पत्तियां होती हैं, अगर आप देखेंगे तो ग्रीन पत्तियां सूरज की रोशनी में ये क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा जो आपका क्लोरोफिल होता है, और इसी की वजह से ये खाना पना पाने में सक्षम होंगी। तो तने का दूसरा काम पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो खाना बनाया जाएगा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम इनका है, और ये कहीं ना कहीं दो तरफा मार्ग की तरह काम करेगा। एक पॉइंट और है जो पेपर में आपके अलग अलग क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए आलू एक जड़ है या तना है, या पौधे के हिस्से में हम कौन सा हिस्सा खाते हैं, आलू का तना खाते हैं या जड़ खाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा टीचिंग एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। इसके अलावा वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है। आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन, जमीकंद, ये सब क्या है, यहाँ पर देखेंगे अरवी, ये सब क्या है, पौधे के खाए जाने वाला भाग जो है वो तना है, यानी हम इसका तना, पौधे के तना खाते हैं, किसका किसका एग्जाम्पल, आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन, जमीकंद, अरवी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, ये बहुत सारे पेपरों में मैंने खुद देखा हुआ क्वेश्चन है ये। इसके अलावा लीफ में अगर आप जाते हैं तो हमें एक दो चीज समझ में आती है, पत्तियां ना अलग अलग तरीके की पत्तियां होती है, अब मैं पत्तियों भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिएगा पत्तियों के अंदर में भी अगर आप देखेंगे, एक होती है सिरा विन्यास यानी कि रेक्टिकुलेट विनेशन, दूसरा होता है आपका यहाँ पर समानांतर सिरा विन्यास पैरेलल विनेशन, होगा कैसे ये देखिएगा, पीपल के पत्तों को अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये देखिए, फिर आम के पत्तों को देखिए, दिख रहा है आपको, तो यहां पर कैसा दिख रहा है आपको, ये सारा गुलाब के लिए देखिएगा, अब क्या होगा, ये जो है पत्तियां पपीता, पीपल, आम, गुलाब, ये सारे जितने भी है ना, इनके अंदर सिरा विन्यास यानी रेक्टिकुलेट विनेशन पाया जाएगा, एक जाली जैसा यहां पर पाया जाएगा, करेक्ट है? दूसरा, अगर आप घास, बांस, केला, गन्ना, इनकी पत्तियों को अगर आप देखते हैं तो इनकी पत्तियां ना कुछ इस तरीके से होंगी, ऐसे ऐसे से होंगी, होता है कि नहीं होता है पैरेलल विनेशन वाले में, तो ये पैरेलल विनेशन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पत्तियों को देखकर इनकी जड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आगे देखेंगे जरा, नेक्स्ट पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए जरा दिख रहा है आपको, ये क्या है, टैप रूट, इसमें एक मेन जड़ है, उसके बाद यहाँ पर सारी चीजें दिख रही हैं, और इसका जैसे मैंने गुलाब का आपको बताया था, ये देखिएगा ऐसा ऐसा जालीदार बना होगा, ये कैसे है, फाइबरस रूट,
फाइब्रस रूट ये क्या होते हैं, रेशेदार जड़ हो जाएंगे, जिसमें ये आपका पैरेलल वेनेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, ऐसे बताना क्या आपको मुझे कि ध्यान रखिएगा। पत्तियों के दो प्रमुख कार्य है, पहला ध्यान से समझिएगा, इसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। पहला, जल की बूंदों को जल वाष्प के रूप में बाहर निकालना। जल वाष्प के रूप में, जैसे हमारे स्किन पे अगर आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक कर रहे हैं या फिर हम कहीं ना कहीं रनिंग करते हैं, तो हमारे यहाँ से पोर्स से भी कहीं ना कहीं पानी बाहर निकलता है, यानी जो स्वेट है वो आपका बाहर निकलता है, क्योंकि एक एक्सक्रीशन है, वो उनको बाहर निकलना जरूरी भी है। सेम वैसे ही पत्तों के अंदर में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना, तो यहाँ पर छोटे छोटे जो पोर्स हो जाएंगे, अगर आप देखेंगे पत्तियों के अंदर में, तो ये क्या है, छोटे छोटे पोर्स। ठीक, ये क्या होगा, यहाँ पर जल की बूंदों को जल वाष्प के रूप में बाहर निकलना, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपिरेशन। कई बार आपने देखा होगा कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि वहां पर ट्रांसपिरेशन कम से कम हो सके। कैक्टस का जो अगर आप देखेंगे, कैक्टस के पौधे को देखेंगे, उनकी पत्तियां कटीली होती हैं। क्यों कटीली होती है, एक तो रेगिस्तान में पाया जाता है, ज्यादा धूप में अगर आप देखेंगे उनकी पत्तियां अगर चौड़ी होंगी तो वहां से ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, वो पत्तियां सूख जाएंगी। इसीलिए वो पत्तियां, जो कैक्टस का जो प्लांट है, उनकी पत्तियां कटीली इसीलिए वहां सर्वाइव कर पा रही हैं, एडॉप्टेशन या अनुकूलता इसीलिए है, क्योंकि ताकि अगर कटीली पत्तियां होंगी तो वहां पर वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन आपका कम से कम होगा। कैक्टस के प्लांट भी जड़ों, उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत डीप अंदर जाती है ताकि वो पानी को पा सके, करेक्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें हैं जो ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आपका जल की बूंदों को जल वाष्प के रूप में बाहर निकालना, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं यानी वाष्पोत्सर्जन। दूसरा, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल नामक हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में भोजन बनाना, जो मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण ऑलरेडी मैंने आपको फोटोसिंथेसिस मैंने समझा दिया है। ठीक, दूसरा, मूसला जड़ यानी टैप रूट तंत्र में जड़ जो है वो मुख्य और पार्श्व जड़ों के रूप में बटी होती है, वो मैंने अभी आपको दिखाया ही था कि यहाँ पर आपके पास में टैप रूट के अंदर जड़ क्या हो जाएगी, एक मेन जड़ हो जाएगी और पार्श्व जड़ों के रूप में बटी है। इसमें पार्श्व जड़ें मुख्य जड़ों के चारों ओर शाखित रूप से जुड़ी होती है, जैसे कपास हो गया, सरसों हो गया, सूरजमुखी, आम, नीम, गाजर, मूली, चुकंदर। एक चीज और है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसे सब्जियां जैसे मान लो जैसे गाजर हो गया, मूली, चुकंदर, शलजम, ये सारे जो है ना, अगर चुकंदर को भी अगर आप देखेंगे, जिनकी पौधों की जड़ को हम खाते हैं वो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। जैसे गाजर को देखेंगे, इसके अंदर विटामिन ए बहुत अच्छा होगा। अगर आप चुकंदर को देखते हैं, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो कहीं ना कहीं खून बनाने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप चुकंदर खाइए। तो जिनके रूट को हम खाते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन बहुत अच्छा खासा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आम, नीम, गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, चना, मटर आदि जड़ों की संरचना। फाइब्रस रूट या झकड़ा जड़ रेशेदार, अभी मैंने सिखाया था ना, कभी लहसुन को आप कभी मार्केट में, कई बार ठंड के टाइम पे ना, जो हरी वाली लहसुन नहीं आती, अगर आपने कभी देखा हो तो पत्ती वाली जो आती है, उनकी जड़ों में देखेंगे ऐसे ऐसे जड़ लगा होता है, लहसुन में, प्याज में, चावल, बाजरा, गेहूं, मक्के में भी अगर आप देखेंगे, कभी मौका लगा हो, कभी खेत में अगर आप गए और उसको निकाल दिया हो तो आप देखोगे उसमें झकड़ा जड़ ऐसे दिखेगा, देखिए जरा इस तरीके का जड़ दिखेगा, इसी को बोलते हैं झकड़ा जड़ यानी फाइब्रस रूट। ठीक, तो ये था आज के हमारे लेक्चर में, आई होप क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत कम से कम समय में जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने देने की कोशिश की। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।